टेंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, टेंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस क्या हुआ, कर्म किससे संबंधित हो गया, छोटे कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट। हाँ, छोटे भाई से प्रभावित हो सकते हो आप। तो दैन टेंथ लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द थर्ड हाउस, द नेटिव विल एंजॉय हैप्पीनेस फ्रॉम द ब्रदर बाय सर्टेन एक्सटेंट। तो नहीं, राइटिंग राइटर बनने के लिए थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। सो नेटिव विल एंजॉय हैप्पीनेस फ्रॉम द ब्रदर्स एंड सर्वेंट, वी वेलरस, वर्चुअस, एलिगेंट एंड ट्रूथफुल। दिस इज व्हाट यू सेड। दशमेश अपना तीसरे स्थान में गया, पराक्रमी हो जाएगा, भाई बहन का हैप्पीनेस उसको उसको मिलेगा। थर्ड हाउस से संबंधित कम्युनिकेशन से संबंधित, बिजनेस से, ट्रेवल से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, सॉफ्टवेयर प्रोफेशन के लिए एक बहुत अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है थर्ड लॉर्ड अगर तीसरे स्थान में हो, और टीचिंग के लिए भी अच्छा प्रोफेशन है। बट ये दिस इज मोस्टली रिलेटेड विद द ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग पर्पस, राइट। क्योंकि थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ मेजरली ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड हॉबीज, ठीक है। बट थर्ड लॉ, अरे मेगा ऐसे पूछ ही लेना यार, मैं फिर पढ़ू उसको, रुक जाए खत्म कर लेते। रिलेशनशिप, हाँ, ब्रदर का केस के अंदर अगर ये एफ्लिक्ट, अभी आ रहा हूँ तो सबसे पहले तो दशमेश अगर अपने से छठा चला गया है ना, टेंथ लॉर्ड थर्ड में गया तो अपने से छठा चला गया, दैट मीन्स योर करियर एंड योर करियर लॉर्ड हैज अ 6-8 रिलेशनशिप, करेक्ट। एंड योर करियर लॉर्ड हैज गॉन 6th फ्रॉम इट, दैट मींस व्हेन एवर यू आर डूइंग योर कर्म देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन कमिंग अप, करेक्ट। तो ये जब दशमेश छठे स्थान पे जाता है तो एक तो ग्रोथ स्लो होती है क्योंकि आपको बहुत फाइट करके आगे बढ़ना पड़ता है। जब भी किसी लॉर्ड, आप कोई भी लॉर्ड अपने से केंद्र या त्रिकोण में चला जाएगा, दैट शोज इजीनेस। जब भी कोई लॉर्ड अपने से छठे आठवां बारवां हो जाएगा, दैट शोज टफनेस अबाउट दैट पर्टिकुलर हाउस, ओके। लेकिन चूंकि ये तीसरा स्थान में आइडली कौन जा रहा, शनि जा रहा है ना, और वहां का कारक कौन है, मंगल है, तो ये स्लो तो करेगा ग्रोथ को क्योंकि अपने से छठा आठवां हो रहा है। लेकिन पाप ग्रह का एनर्जी होने के कारण, और तीसरे स्थान का मालिक जो है वो बुध है काल पुरुष का चार्ट में, है ना, सो पाप ग्रह और बुध का सिमेट्री होने के कारण वो व्यक्ति मेहनत करना बहुत पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब दशमेश छठे स्थान में, मतलब तीसरे स्थान में होता है। बट वो व्यक्ति लगातार सीख 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 के ग्रो कर सकता है। बट That is for sure, if your 10th lord in the third house, you have to work very hard in your now, है ना, but मेहनत बहुत हो जाएगी क्योंकि अपने से छठा चला गया, okay। अब अगर ब्रदर की बात करते हैं तो थर्ड हाउस से 8th हाउस से 10th हाउस, राइट, सही है मेगा। तो जब थर्ड हाउस से 8th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया और एफ्लिक्टेड हो गया वहां पर जाके, दैट मीन्स दैट पर्सन कैन हैव प्रॉब्लम विद द ब्रदर, द रिलेशनशिप ऑफ द ब्रदर कैन बी ऑन स्टेज। 10th लॉर्ड इज 8th लॉर्ड फ्रॉम द थर्ड लॉर्ड, इसीलिए वहां पर अगर एफ्लिक्शन अगर आ जाता है तो फिर आपका ब्रदर के साथ में समस्या है, दूसरा करियर के साथ में भी समस्या है आपको। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल कमिंग इनटू दैट फील्ड, ठीक है। हाउ यू आर सेइंग सो, दशमेश युद्ध में जा रहा है, काम त्रिकोण तो अपनी जगह एंजॉय कर रहा है, ये थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ वॉर, राइट। हाँ, इट इज नॉट द हाउस ऑफ प्लेजर, थर्ड हाउस इज नॉट द हाउस ऑफ प्लेजर, थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ हॉबीज। हॉबीज का धन है वो फोर्थ हाउस है, उससे आता है प्लेजर चौथे स्थान। आपका शौक की कोई चीज करते हो उसका धन आपको कहाँ पे आता है, मन में अच्छा लगता है उतने में, वो फोर्थ हाउस में आ रहा है, वो अभी आ रहा है नीचे। हाँ, इसको काम मेहनत करना ही करना चाहे कुछ भी हो जाए, दशमेश तीसरे स्थान में जा रहा है तो क्योंकि वो पराक्रम में जा रहा है बेसिकली। काम त्रिकोण में कोई एंजॉयमेंट नहीं, पहली चीज तो ये है। काम इज डिजायर, ऑलवेज अ बर्निंग आफ्टर एनी डिजायर, दैट्स व्हाई इट इज तीसरा सातवां ग्यारहवां स्थान में नेगेटिविटी देखो हर तरीके की हम देखते हैं क्योंकि वो डिजायर है, इच्छा पूर्ति है ना, इसीलिए पाप ग्रह की आवश्यकता पड़ती है वहां पर, शुभ ग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो बर्निंग ही है अल्टीमेट, राइट। सो वो जा रहा है वहां मेहनत करने, युद्ध लड़ने, कोई इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहा है काम त्रिकोण में, राइट। बट काम त्रिकोण आपको फाइनली ग्यारहवें स्थान में फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर देता है तो अभी कंटेंटमेंट नहीं देता, कंटेंटमेंट हमेशा आपको फोर्थ हाउस से आएगा, इसीलिए थर्ड हाउस का धन है फोर्थ हाउस। अब मरकरी चला गया दशमेश तीसरे स्थान में तो जूडो नहीं करेगा ना, तो राइटिंग ही करेगा। वीनस चला गया या वीनस का राशि आ गया, वीनस का इंप्रेशन आ गया तो ट्रेवल करेगा, है ना। सैटर्न, मार्स कैन मेक यू ए प्लेयर और ए फाइटर और आई मीन जो लड़ना है, केतु चला गया सॉफ्टवेयर करेगा, लड़ता है ना वो कलम से लड़ेगा ना वो। इट विल एफ्लिक्ट द 10th लॉर्ड, इट विल एफ्लिक्ट द 10th लॉर्ड, बट राहु विल आल्सो गिव एडवांटेज बीइंग अ पाप ग्रह इन द थर्ड हाउस, इट कैन ऑलवेज पोक यू टू वर्क हार्डर एंड डू बिग, है ना। राहु तीसरे स्थान में किसके, आपके, जनरली जो एयर ट्रेवल और ये सब करते हैं ना उनका दशमेश का संबंध थर्ड हाउस से होना चाहिए, होता है मोस्टली।